संक्रमण के बढ़ते ग्राफ का असर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज से शुरू होने वाली जनसुनवाई पर भी नजर आया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने धारा 144 और कोरोना वायरस के पालना के चलते पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम को रद्द कर दिया। आज से 3 दिन तक चलने वाली जनसुनवाई अब नहीं होगी। डोटासरा का यह फैसला सराहनीय है। उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश में जिला परिषद और निकाय चुनाव में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भी डोटासरा के इस फैसले का अनुसरण करेंगे। सत्ता और संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बढ़ रही नाराजगी को दूर करने के साथ कई मुद्दों को लेकर आज से पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज से 3 दिन होने वाली जनसुनवाई को कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और सरकार की गाइडलाइन के चलते स्थगित कर दिया। डोटासरा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। डोटासरा 23, 24 और 25 नवंबर को कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के साथ उनके गिले शिकवे भी दूर करने वाले थे। डोटासरा ने बताया कि सरकार की ओर से धारा 144 लागू होने और कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आगे जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर घोषणा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसलों को बहुत जरूरी और सकारात्मक बताया। कहीं कर्फ्यू लगाने का, धारा 144 लगाने का अर्थ एक ही है, एक ही बात संदेश सरकार देना चाहती है कि आपकी सेहत के लिए जरूरी है कि आप इकट्ठे नहीं हों, एक जगह नहीं आए, मास्क लगा के 100% मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। आपको बता दें कि मंत्री और विधायकों की ओर से कार्यकर्ताओं के कामों को तवज्जो नहीं देने से कार्यकर्ताओं में अंदर खाने नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इसकी शिकायतें प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी पहुंची थी, जिसके बाद अजय माकर ने कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को निर्देशित किया था। बहरहाल डोटासरा का यह फैसला सही कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस फैसले का असर निकाय चुनाव में होने वाले कार्यकर्ताओं की भीड़ पर भी नजर आएगा। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।